नमस्कार. देशदूत संवाद कट्ट्यामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. हा कट्टा विशेष, कारण की महिनाही तसा विशेष. सध्या रमजानचा महिना चालू आहे. नमाज, इबादत, रोजा, दुआ ह्या सगळ्यांनी आपला दिनक्रम सुरू होतोय आणि संपतो देखील आहे. परमेश्वराची याच्यात आराधना करणे हाच या महिन्याचा उद्देश आणि त्याच्यातून माणुसकी जपणे हेच आपलं कर्तव्य. या सगळ्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपल्या बरोबर आहे जमीर पठाण. जमीर साहेब आणि हे शिक्षक आहेत नॅशनल उर्दू स्कूलला. आज आपल्याशी ते संवाद साधतायत की या महिन्याकडे, या रमजानकडे, या पर्वाकडे आपण कसं बघूयात आणि नेमकं माणुसकीला ते काय शिकवतंय. तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं कट्टे पे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. रमजान की तो पहले आपको मुबारकबाद हो. और शुरू हम उसी अच्छी बात से करते हैं कि रमजान जब हम कहते हैं तो इसका कहीं ना कहीं एक रिश्ता इंसानियत के साथ होता है. बिल्कुल. तो क्या सिखाता है इंसानियत के बारे में रमजान हमको? ये सबसे पहले तो देशदूत कट्टा का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा. बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है और रमजान की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं. देखा जाए तो इस्लाम जो धर्म है उसका एक पवित्र महीना रमजान, और इस्लाम धर्म में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म करार दिया गया है. अभी जैसे रमजान में हम जो भूखा प्यासा रहकर जो इबादत करते हैं भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, तो उसमें इंसानियत से ही छुपी हुई है. जैसे भूखा रहना, गरीब लोग कैसे भूखा रहते हैं उनका जो हम अनुभव करते हैं कि भूख प्यास से क्या इंसान पे बीतती होंगी, तो एक महीना भूखा रहकर हम अनुभव करते हैं कि इंसान इंसान के की फीलिंग जो होती है क्या हो सकती, हाँ, हो सकती हाँ. है उस पर वो ये कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं. जी जी. दूसरा, इसमें दान धर्म जो किया जाता है इस महीने में ज्यादातर गरीब लोगों को सहायता की जाती है, इससे बढ़कर इंसानियत क्या हो सकती है. बराबर बराबर. तो ये सब जब बातें रमजान हमको सिखाता है. और सर, वैसे देखा जाए तो ये लॉकडाउन के पीरियड में हम है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक हमारे मौजूद है और इसमें लॉकडाउन जब हम देख रहे हैं तो हम अपने आजू बाजू भी देख रहे हैं कि काफी लोग भूखे हैं, लोगों की रोजगार गई है, पर ऐसे भी लोग हैं कि जो इनको मदद कर रहे हैं. तो आज हमारे देश में हम ऐसा कहते हैं कि कोई भूखा नहीं हो रहा क्योंकि सरकार मदद कर रही है और बहुत सारे लोग हैं कि जो खाना खिला रहे हैं. तो मुझे लगता है कि रमजान इससे अलग नहीं है जो आप बता रहे हो. तो लॉकडाउन में ये हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं इसी बात का, और यही बात जो रमजान हमको सिखाता है. और ये सिर्फ ये तो लॉकडाउन में सिर्फ हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हर साल में एक महीना इस्लाम द्वारा दिया गया है कि हर साल आप इसका अनुभव करें. हम तो लॉकडाउन में अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन एक्चुअली लाइफ अगर हम ध्यान दें, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स अगर हम देखें साल भर कितने लोग भूख से मर जाते हैं और बेरोजगारी से मर जाते हैं, तो इन सब का एहसास, इन सब का अनुभव करने का जो चांस है वो रमजान महीने में सभी लोगों को मिलता है. और इस्लाम नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स, ये पूरी इंसानियत के लिए आया है. इंसानियत के लिए बिल्कुल बिल्कुल. और सर, जैसे हम लोग रोजे रखते हैं इस दौरान, आप सवेरे कुछ खाते हो, शाम को कुछ खाते हो और बीच में आप कुछ नहीं खाते हो, तो रोजा एक शरीर की शुद्धि के लिए उससे भी देखा जा सकता है कि भले वो उपवास हो और रोजा हो, इसमें एक साइंस है और साइंस के हिसाब से शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि जब होती है तो हम मन की शुद्धि की भी बात करते हैं. तो इससे आप क्या बताएंगे कि रोजे को हम कैसे देखें? देखिए, साइंस ने भी कई बार इस चीज पर ये किया है, अध्ययन किया है कि रोजा क्या कर सकता है. और कई बार हमको बहुत सारी यूट्यूब्स वगैरह भी आप देख सकते होंगे कि साल में कुछ दिन भूखे रहना चाहिए इंसान को ताकि शरीर की शुद्धिकरण हो. हमारे जो हमारे अंदर जो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, जैसे जो मोटापा वगैरह जैसी जो बीमारियां है या शुगर है, बीपी है, तो ये सब चीजें जो क्रिएट होती है ये फूड से ही होती है. और सहरी का जो टाइम दिया गया है, बिल्कुल 5 बजे से पहले की सहरी हो जाती है और दिन भर कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो उतना जो हमारा जो मैदा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब पेट के
जो हजम हजम करने का जो हाँ प्रक्रिया होती है हाँ वो उतने 14 घंटे के लिए पूरे लॉकडाउन हो जाती है। अभी लॉकडाउन का ही बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कि 14 घंटे के लिए वो लॉक हो जाती है, मतलब उसको उतना रेस्ट मिलता है। साल भर में तो रेस्ट मिलता नहीं, कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाँ तो हमारे शरीर के जो अंग है उनको भी तो रेस्ट चाहिए। और बिल्कुल उस दौरान वो पूरे के पूरा शुद्धिकरण होकर फिर आफ्टर 14 आवर्स, 14 घंटे, कभी सर्दियों के दिनों में 12 घंटे, 13 घंटे का रोजा आता है, अभी 14.5 घंटे तक रोजा जाने वाला है। तो इस दौरान हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। और आपने ये भी देखे होंगे कि इफ्तारी जो शाम का खाना होता है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा बहुत बहुत ज्यादा गिजा खाते हैं, बहुत ज्यादा फूड खाते हैं, वो भी गलत है। अच्छा लिमिटेड खाना चाहिए, सहरी में भी लिमिटेड होना चाहिए, और इफ्तारी यानी जब हम खाते हैं तो वो भी लिमिटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर रोजे का जो लॉजिक है वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका भी एक पर्पस है। और जैसे हम शरीर की शुद्धि अगर बात करते हैं तो बिल्कुल शरीर और मन एक ही कॉइन के दो बाजू है। तो बिल्कुल मन की शुद्धि भी इस वक्त है कि जैसे आप इबादत करते हो, कुछ दुआ करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो उससे आपके मन के लिए भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आने लगता है और आप बहुत बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी सोच बना सकते हो। तो बिल्कुल इसमें क्या बोला गया है कि शरीर और मन पैरेलली जा रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मन कैसे जाता है कि अभी मानसिक तौर पर इंसान प्रिपेयर हो रहता है कि इन 30 दिनों के अंदर अपने को पुण्य ही करना है, अपने को कोई बुरी बात नहीं करनी है। इन बिल्कुल 30 दिनों में आपको पुण्य के वन एक पुण्य का 70 पुण्य का उसका सवाब मिलता है, तो इंसान नेचुरली उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, पुण्य ज्यादा करेगा, तो उसका मन करेगा शुद्ध होता रहेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा घर में रहूंगा तो नमाज पढ़ूंगा, मेरे अंदर पावर नहीं रहेगा दूसरे सब खुराफात करने का यानी बुरे काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल और फिर इबादत भी ऐसी दी गई है कि सुबह इंसान सहरी के लिए उठना ही उठना है तो वो सुबह की नमाज भी पढ़ता है, फिर बिल्कुल रात की 20 रकात की तरावी की नमाज होती है। तो हाँ इस तरीके से जहां तक हो सके ईश्वर की तरफ अल्लाह की तरफ ध्यान लगा हुआ रहता और इंसान का मन शुद्ध होता रहता है और वो बुराइयों की तरफ से बिल्कुल हटते जाता है। और बिल्कुल हो सकता है कि अगर ये 30 दिनों में उसकी ये सवा ये आदत अगर उसको लग जाए तो वो लाइफ टाइम सुधर सकता है, उसका लाइफ टाइम जो है वो उसका मन जो है वो शुद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत ही सही बात कही। आप जैसे आप देख रहे हैं कि ये रमजान का महीना है और साथ में लॉकडाउन भी है, तो हर बार तो रमजान बहुत अच्छी तरह से लोग मनाते हैं, बहुत खुशियां बांटते हैं, बहुत सारी खरीदारी करते हैं, कपड़े लेते हैं, सब तैयारियां करते हैं ईद के लिए। तो इस बार क्या हो रहा है और लॉकडाउन की रमजान कैसे अलग है? थोड़ा सा अलग तो है, जीवन शैली बिल्कुल बदल दी है लॉकडाउन ने, हमारी पूरी के पूरी जीवन शैली बदल दी है। तो उस दरमियान रमजान भी आया, अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने भी मन की बात में बात कही है कि किसे मालूम था कि अगले साल के रमजान जो है वो लॉकडाउन में आएंगे। लेकिन लॉकडाउन में आने के बाद भी इंसान कम से कम जो एक्चुअल में लॉकडाउन में जाने जाने के बाद इंसान मन की शुद्धि की तरफ गया है बहुत सारा, उन्होंने जीवन शैली बदली है क्योंकि बुरे काम बहुत सारे रुक चुके हैं। रुक चुके और हैं। उसमें रमजान का आना बोले तो सोने पे सुहागा हो गया, ऐसा समझ बिल्कुल सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल तकलीफ तो हो रही है, थोड़ी बहुत दुश्वारी आ रही है जैसे खाने पीने की चीजें, लेकिन जान है तो जान है, अगर इंसान ने हाँ थोड़ा कंट्रोल किया। और इस रमजान तो संयम सिखाता है सही है, और बिल्कुल लॉकडाउन सही में बात तो सही संयम बात रखना है हमको, बिल्कुल यानी उससे और ज्यादा पक्की बात हो जाएगी कि इंसान का मन जो है वो संयम की तरफ ज्यादा अच्छे तरीके से जाएगा। और संयम गवर्नमेंट खुद कह रही है कि संयम रखो, घरों में सही हम रहो, लोग को हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। रमजान बिल्कुल अलग जा रहे हैं लेकिन संयम सिखाते हैं, उसी की वजह से और ज्यादा फायदा हो रहा है लॉकडाउन में। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने कि रमजान संयम सिखाते हैं और लॉकडाउन में संयम ही एक है जो हमें इस लॉकडाउन से बचा परे सकता है लेके जाने वाला है। तो जी। जाते जाते साहब एक बात और बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि हम कुछ अच्छी बात कहें, अच्छी बात करें, अच्छी बात सुने, जैसे रमजान के बारे में हम लोग कहते हैं कि लोगों की मदद कीजिए, इंसानियत की बात है या शरीर और मन के शुद्धि की बात है, तो इस सब से कहीं ना कहीं एक आंतरिक सुकून मिलता है मन को। सवाल ही नहीं आता, बिल्कुल आनंद प्राप्त होता है पूरी के पूरा। अभी आप देखिए कि 30 रोजे के बाद ईद उल फित्र आती है, ईद आने वाली है,
ईद की नमाज भी अदा होती है, अभी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से घरों में ही नमाज के लिए बोला जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ईद की नमाज भी उस वक्त तक अल्लाह तक नहीं पहुंचता उसका सवाब, और पूरे 30 रोजों का सवाब, जब तक कि हम फितरा अदा ना करें। फितरा क्या चीज है? फितरा का मतलब होता है गरीबों को अन्नदान करना। बिल्कुल और जो अन्नदान नहीं करेगा तो उसके 30 रोजे हवा में लटके हुए रहेंगे, उसका पुण्य उसको नहीं मिलने वाला है। ये पैगंबर साहब ने नहीं बोले हैं। हाँ एक आदमी 2 किलो 50 ग्राम गेहूं या उसके हिसाब से उसको रकम अदा करनी है, जकात अदा करनी है, ये सब आनंद प्राप्त होता है। और इस्लाम में ये चीज कही गई है कि जब तक तुम्हारे से दूसरा कोई खुश नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी खुश नहीं है, तुम्हारे हमसाए, तुम्हारा समाज खुश नहीं है, तो तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। सही बात कही आपने कि एक दूसरे को खुशी बांटने का ये एक त्योहार है, ये बिल्कुल। एक और पर्व दूसरी है। बात के कोरोना के लिए खास दुआएं हो रही है, इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त, तरावी के वक्त, के कोरोना से देश को मुक्ति मिले। मिले ये स्पेशल एक चीज है कि प्रार्थना इतनी बढ़ गई है। हालांकि मस्जिदें बंद हैं, दरगाहें बंद है, कब्रस्तान बंद है, लेकिन घरों में लोग बार बार प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना कर हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कि कोरोना से इसको, पूरी दुनिया को इससे निजात मिले। आपने बहुत सही बात कही कि भारत की यही ताकत है कि जितना हम लोग साइंस पे विश्वास रखते हैं उतना ही हम एक पॉजिटिविटी में भी विश्वास रखते हैं, और हर कोई अपनी पॉजिटिविटी या प्रार्थना से या नमाज से या अपने मन के विश्वास से कुछ न कुछ एक उम्मीद रख रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है कि हम जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्त हो जाए, देश यस, कोरोना हंड्रेड से परसेंट आजाद हो जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि हम जल्द ही उस देश में आ जाएंगे कि भारत देश हमारा कोरोना मुक्त हो जाएगा और सारी इंशाल्लाह, हमारी जरूर जो जनता है वो अपने जी, नॉर्मल रूटीन से आ जाएगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही, इस सट्टे पे आके आपने हमें रमजान की जो भी अच्छी बातें हैं वो सब बताई और हमारे श्रोता के साथ शेयर किया। तो हम सबको रमजान की मुबारकबाद देते हुए ये करते हुए